अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय पीरटाड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मधुबन शाखा की ओर से मंगलवार को स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन कराया गया। इस दौरान 15 कंप्यूटर और बच्चियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के अधीन मधुबन शाखा के द्वारा पीरटाड प्रखंड स्थित राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें कंप्यूटर एवं प्रोजेक्ट सेट का वितरण किया गया। साथ ही साथ विद्यालय के बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक से महाप्रबंधक विश्व रंजन आचार्य, क्षेत्रीय प्रबंधक भावना पंकज, नम्रता खन्ना, हरित आनंद, आलोक रंजन समेत विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश वर्मा एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोशल सर्विस एक्टिविटी कर सके, और सबको मालूम है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जितना भी स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी सभी साइंस के तरफ टेक्नोलॉजी के तरफ आकर्षित हो, और कंप्यूटर तो अभी सभी एक्टिविटी में चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम करने का डिसीजन लिया, और सिर्फ डिसीजन नहीं लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी हमने किए। बच्चों के लिए हमने 10 कंप्यूटर्स और एक प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन हमने CSR एक्टिविटी के तहत हमने डोनेट किए हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ हैं और जितने सारे आने वाले स्टूडेंट्स भविष्य में आएंगे, सभी लोग जो भी कंप्यूटर आपको दिया गया है उसका पूरा की पूरा व्यवहार पूरा की पूरा यूज कर सके। मेरे टीचर लोगों को भी रिक्वेस्ट है, सभी टीचर को, रेस्पेक्टेड टीचर्स को रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के तरफ भी आकर्षित करवाने का जरूर कोशिश कीजिए। इसको ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ का स्टेट बैंक का जो रीजनल मैनेजर मैडम मेरे साथ बैठे हैं और उनके जितने सारे कोलिग्स हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और नई नई ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो जो मॉडल के लिए, मॉडल एजुकेशन के लिए जरूरी है, सब सुविधाएं प्रदान होगी। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DGM साहब को और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।